वेलकम एवरीवन। सो आज तो हमारा बारिश हो रहा है यहाँ पे, देखो सब छाता ले लेके जा रहे हैं। अब क्लास भी जाना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, छाता लेके जाना पड़ेगा। पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं छाते से। और ये देखो हमारे दोस्त लोग सब नहाने जा रहे हैं, और यहाँ पे लेट हो चुका है, हमें लेट हो चुका है, लेकिन कंटेंट आपको देके जाना पड़ेगा। और हम अभी उठे हैं। अच्छा, हाय गाइस बोल के जाओ। ओके गाइस, और हम अभी 8 बजे उठे हैं, 8 बजे, और क्लास है 9 बजे, 8 बजे उठेंगे, फिर 9 बजे खाने जाएंगे और 9:05 में पहुंच भी जाएंगे क्लास। चलो ठीक है ठीक है। देख रहे हो दोस्तों, आज छाता लेकर जा रहे हैं, बारिश हो रही है पूरी। आर्यन कैसा लग रहा है छाता लेकर जाने में, ब्रेकफास्ट करने में? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत सही है, आज थोड़ा ब्रेड गर्म कर लेते हैं। यार आज मेरा ब्रेड रोस्ट करके खाने का मन कर रहा है, मैंने भी लगाया है 2 ब्रेड, और बाकी सब भी कर रहे हैं दोस्तों। सो देखो, ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए अपने क्लास की तरफ, और यहाँ बारिश हो रही है। ई रिक्शा भी आज नहीं है क्योंकि सब तो बारिश में निकल गए, और मैंने एक लड़के को अपना छाता भी दिया है, कृपा सो योर फेस ओके, कि मुझे अब भिंगा रहा है और खुद बच रहा है जबकि मेरा छाता है। अब हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, कुछ जल्दी पहुँचना होगा। दोस्तों बारिश में जाके कैसा लग रहा है इस बार, इस तरह से क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है, तो कैसा लग रहा है ये मौसम? आया मौसम बारिश का। यार यहाँ पे तो आज ओरल चल रहा है सेशन, मतलब जाके कुछ भी बोलना होगा तुम्हें 2 मिनट के लिए कोई टॉपिक पे, तो ओरल सेशन चल रहा है आज। मेरा टाइम निकल गया, हम बच गए दोस्तों। सो हमारा आज ओरल प्रेजेंटेशन था सॉफ्ट स्किल्स में, मैं तो बच गया, सुनील तू भी बच गया, कैसा लग रहा है बच के? बहुत अच्छा लग रहा है। आर्यन फंस गया, आर्यन भी होगा पे बोला था, अब मैं और सुनील बच गए। अब तो सुनील अगले क्लास में तू पूरा याद करके आएगा ना, माचिस लगा आग लगा दूंगा क्लास के, आग लगा देगा, पूरा याद करके आएगा, आग लगा देगा क्लास में। मैं भी पूरा याद करके आ जाऊंगा 2 दिन बाद क्लास। अबे वो सर भी डर जाएंगे भाई, ये कैसा बंदा आ गया। ये देखो सब छाता अपना अपना लेकर आए हैं, बारिश हो रही है पूरा बाहर, मैं भी अपना छाता लेकर आया और बाहर ऐसे सब लगा रहे हैं। स्कूल के दिन याद आ गए यार। सुनील क्या लग रहा है, स्कूल जैसा नहीं हो गया? स्कूल में भी बुला के ऐसे ही खड़े करके बोलना पड़ता था, यहाँ आईटी आके क्लास में क्या करते थे, मैम के साइड में खड़ा होना पड़ता था, सिर्फ दीवार की तरफ देखते रहते थे क्योंकि दोस्तों की तरफ देख लिया तो भाई वो हंसा देंगे। अच्छा, और यहाँ पे तो यार बोलो उसके ऊपर फिर पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों मुझसे बहुत सारे कमेंट्स में लोग पूछते हैं, भैया आप अपनी जेई जर्नी बताओ। मैं क्या बताऊं, देखो यहाँ पे ईसीई का लड़का है, इससे पूछ लो कितने घंटे भाई पढ़ते थे जेई के दौरान। भाई 24 घंटे तो नहीं, मैं तो एटलीस्ट 25-25 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 25-25 घंटे, ओ माय गॉड, 25-25 अलग अलग दिन की एक दिन? भाई एक दिन में टाइम मशीन बनानी पड़ेगी पहले, तब जाके तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लोगे। अच्छा, अच्छा, और जेई के बाद जो लैम्बोर्गिनी मिलती है देखो वो लेके चल रहे हैं, देखो लैम्बोर्गिनी पे जा रहे हैं, देखो देख रहे लाइफ आफ्टर जेई है, देखो लाइफ आफ्टर जेई, मस्त बारिश हो रहा है, ये लैम्बोर्गिनी लेके चल रहे हैं, ये लाइफ आफ्टर जेई, ये देखो पूरे इसका छाता, ये देखो सामने से फरारी निकली, ये देखो लाइफ आफ्टर जेई, सही है। तो देखा दोस्तों 25-25 घंटे पढ़ने पड़ती हैं, जैसे इस ईसी के बंदे ने बताया, और ये देखिए आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, और ये डार्क सर्कल्स को नींद नहीं आती, वहां पे भी नींद नहीं थी। नहीं, डार्क सर्कल्स अब मिटाने के लिए आपने बोला आप 10:30 से 6 बजे तक सोते हैं, 6 बजे तक सोता हूं, उसके टाइम पे भी सोते हैं, फिर लेक्चर के टाइम पे भी सोते हैं। अरे यार यही तो है, यही है यहां पे, और कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं आता। अच्छा, टेंशन में नींद उड़ती है। ओह माय गॉड, लाइफ आफ्टर जेई देख सकते हैं। चलो ठीक है, हम इस अभी ना लाइफ आफ्टर जेई जीते हैं। आप मोबाइल मस्त देखो घर पे, मोबाइल बैठ के ब्लॉग पढ़ लो, नहीं पढ़ लो की जगह काट दो, सुसाइड कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो दोस्तों आज क्लास पूरा खाली, आज हम जल्दी आ गए तो मैं सोचता हूँ क्लासरूम दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ बोर्ड लगी रहती है, यहाँ प्रोजेक्टर रहता है, यहाँ पे टीचर्स बैठते हैं, माइक वाइक लगी रहती है, और ये रहा हमारा क्लासरूम। और ये जयदीप तू यहाँ पे आके सोता है, ये जब हम आए तो सो रहा था यहाँ पर, कोई नहीं। और यहाँ पे वेंट वगैरह लगे हुए हैं, इसी के प्रोजेक्टर यहाँ से रहते हैं।
मेरा इतना दर्द कर दिया, खेल ही नहीं। तो हमारी शाम की अब छुट्टी हो चुकी है और अभी भी बारिश हो रही है और लैपटॉप है यार मेरे बैग में, बैग वाटरप्रूफ भी नहीं है, भींग जाएगा। तब तक पहुंच जाऊंगा घर, मेरे ख्याल से पूरा पानी पानी हो गया है भाई हर जगह, पानी पानी। चलो साइकिल निकाल ले गाइस। सो ये देखो हमारा डोमिनोज, हम पहली बार डोमिनोज मंगवा रहे हैं, सुनील ने मंगवाया है एक्चुअली। सुनील आज हमें पार्टी दे रहा है डोमिनोज की, तो का दोस्त के पैसों का मजा आएगा। आर्यन पकड़ लीजिए, चलिए कौटिली भवन। अब हम कौटिली भवन जाएंगे और वहां से कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है पिज्जा के साथ, इसलिए। और बाजी कैसे हो? बढ़िया। मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ कहना चाहते हो? सब्सक्राइबर्स से ये कह दो कि लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो। ओ भाई साहब, शेयर शेयर कर रहे बोलो। अच्छा चलो। अरे यहाँ पे कौटिली भवन का कैंटीन, यहाँ से हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं, देख सकते हो सब्जी वगैरह सब। कहाँ से लेंगे? अंदर से। ये रहा कौटिली भवन का कैंटीन, पहले भी आया है यार। गाइस तो ये देखो हमारा पिज्जा पार्टी चल रहा है, साथ में माउंटेन ड्यू। ये देखो आर्यन, सुनील, ये सुनील की तरफ से, सुनील माउंटेन ड्यू पी रहा है। सुनील कैसा लग रहा है? एकदम मजा, मजा आ रहा है, हॉस्टल लाइफ पूरा एंजॉय। ओके चलो बड़े, ये तो चाय पी रहे हैं, साहब का गला खराब हो गया और मैं भी खा ही रहा हूँ। हाय बोल भाई, ऐसी कौन सी की है जिससे लॉक नहीं खुलता? IITN का क्वेश्चन, उसका आंसर। ऐसी कौन सी की है जिससे लॉक नहीं खुलता? जवाब देने वाले को जयदीप देंगे 500। जवाब देने वाले को आशिकी, आशिकी। हाँ अरे भाई ये क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी की है जिससे लॉक नहीं खुलता? लॉकी, लॉकी। या अरे माय गॉड, ही इज अ ट्रू IITN। क्या बात है, क्या बात है, जीतते हैं आप 7 करोड़ रुपए आपके खाता में, ये सीधे 7 करोड़ रुपए। सब्सक्राइबर्स गेन करो, IITN पुष्कर नाम है इसका। ओके ओके थैंक यू। उसका भी तो सही है, हॉकी, हॉकी, हॉकी भी तो सही है। अच्छा ये बता, ऐसी कौन सी ये बता, अच्छा ये बता, ऐसी कौन सी रिंग है जिसे पहन नहीं सकते? ऐसी कौन सी रिंग है जिसे पहन नहीं सकते? जल्दी बता। स्प्रिंग, स्प्रिंग। हाँ ये वैसे बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग भी हो सकता है, बोरिंग। ये क्या हो रहा है भाई? ये कुछ हो रहा है यहाँ पे, बाद में देखते हैं, अभी तो खाने चलो। चलो तो हम आ गए अपने मेस में वापस, डिनर करने। आज तुम्हें लंच नहीं किया था यार, कोई नहीं डिनर कर लेता हूँ। क्या लड्डू खत्म हो गए? ओ माय गॉड, मुझे भी नहीं मिला यार लड्डू भी थे। खत्म हो गया लड्डू। मैं देखो पनीर में सिर्फ ग्रेवी है क्या? पनीर भी एक ही बार देते हैं? हाँ पनीर भी एक ही बार देते हैं। पनीर में सिर्फ ग्रेवी रहती है, पनीर में सिर्फ, हाँ दे पनीर में सिर्फ ग्रेवी। ये देखो मेरा दोस्त पनीर मुझे दे रहा है दान में, यही है दोस्ती। लड्डू मांगने पे डांटते हैं, लड्डू मांगने पे डांटते हैं। आज तो लड्डू दे ही नहीं, आज तो लड्डू दे ही नहीं। एक्सपोज कर रहा हूँ मैं, एक्सपोज कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दे। अच्छा तो दोस्तों यहाँ देखो टैलेंट दिखाया जा रहा है। चले आर्यन, कैसा लगा आर्यन फ्लूट? बहुत अच्छा लगा, अब मेरे को भी लेनी है। तुझे भी बजानी है? अब तुझे इसका भी शौक चढ़ गया? ओ भाई साहब, अभी तो स्पोर्ट्स का शौक चढ़ा था, अब फ्लूट का भी हो गया, सही है। शौक, शौक क्या डायलॉग क्या था? शौक बड़ी चीज है, शौक बड़ी कुत्ती चीज है। सो दोस्तों चलो अब इसी तरह से आज का ये व्लॉग अब खत्म करते हैं। आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं यार, कभी कभी नहीं होती चीज़ें क्योंकि पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ ही रहा था काफ़ी, आज दिन तक रूम ही में था, कहीं गया नहीं। सो होता है ऐसे, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 1, देखो अभी क्या हो रहा है।
ये देखो ये तो अपना कमरा है, यहाँ पे इन लोग सब काम लैपटॉप चला रहे हैं। देखो रात के 1 बजे ये भाई साहब फोन पे ही लगे हुए हैं रात के 1 बजे। और उधर देखो अभी यहाँ पे लाइट ऑन ही है, यहाँ पे एक लड़का पढ़ रहा है और यहाँ पे सब सो गए। ये देखो ये माधव हमारे दोस्त हैं, मोबाइल चला रहे। माधव सब्सक्राइबर्स को कुछ कहना चाहेंगे? सब्सक्राइबर्स को कुछ कहना चाहेंगे? रात के 1 बजे भी आईटीएन से रात को उठ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बस यार पूरा दिन पढ़ाई पूरी करने के बाद रात का ही टाइम मिलता है थोड़ा रिलैक्स करने का, तो अच्छा। बस सारे रात में ऐसी मस्ती कर रहे हैं। अच्छा अच्छा चिल कर रहे थे। अच्छा बढ़िया से भाई। ओके और वो देखो अभी रात के 1 बजे लड़कों का झुंड अभी टहल रहा है वहाँ पर। अभी वहाँ पे सैमसंग के वहाँ बर्थडे भी मन रहे थे, बर्थडे भी मन रहे थे सैमसंग के वहाँ पे केक चल रहा। अच्छा और वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है तो वहाँ पे कुछ लोग बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। और थॉमसन बिल्डिंग में तो अभी बाहर क्या जाऊँ अभी तो। और ये अपना राधा कृष्ण भवन भाई, यहाँ सुंदर कितना दिखता है, लगता है कि उधर अमीरों का बिल्डिंग, इधर गरीबों का बिल्डिंग, पार्टीशन है दोनों के बीच में। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हम तो ए ब्लॉक में आए तो हैं। चलो गुड नाइट, बाद अब चलो सोने जा रहे हैं। बाय बाय बाय।